वालेकुम रफीक के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाने वाले हैं तुर्की बोटी बनाएंगे मटन में। बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है, तो स्टार्टर के लिए बहुत ही बढ़िया है और एकदम जूसी सा। तो इंशाल्लाह आज बताते हैं एकदम न्यू स्टार्टर आपको, तो उसका मिर्जा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मटन को बॉयल करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं मसाले। तो मटन हमने धो के पीस करके रख दिए। देखो पीस हमारे जो पतले हैं वो थोड़े हमने चौड़े कर दिए हैं और जो मोटे हैं उसको थोड़ा छोटा कर दिया है। तो इस तरह पीस आप बड़े करो, क्योंकि मटन को अक्सर ऐसा होता है ना कि काटने के बाद जब हम बॉयल करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। तो छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम टिक्का का साइज होना चाहिए। तो पहले डाल देते हैं नमक 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा डाल देते हैं तेल, तो थोड़े से बादियान के हम टुकड़े डाल देते हैं, और ये छोटी इलायची जावित्री, बड़ी इलायची 2-3 पीस, और थोड़ा सा लौंग इसे भी डाल देते हैं, खुशबू बढ़िया आएगा। और अब डाल देते हैं पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है कि हमारा मटन गल जाए। बस थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर देते हैं। अब इसे रख देते हैं हम बॉईल करने के लिए, और 3 सीटी बोलने तक हमें इसे बॉईल करना है। तो दोस्तों हमने रख दिया है बॉईल होने के लिए, अभी इसे 3 सीटी बोलने तक के हमें इंतज़ार करना होगा। 3 सीटी के बाद गैस हम बंद कर देंगे। लेकिन कभी भी गैस अगर आप बंद करते हो उसके बावजूद भी कम से कम 10 से 15 मिनट आपको खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पकते रहता है वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। आप 4 सीटी 5 सीटी भी बोलवाओगे उतना मटन पकता नहीं जितना 3 सीटी में बंद करने के बाद पक जाता है। तो दोस्तों अब हमारा मटन पक रहा है, तब तक हम क्या करते हैं मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें दही की ज़रूरत है, हम इसे डाल देते हैं। दोस्तों दही हमने डाल दिया है, अभी 2 टेबल स्पून जितना हम डालेंगे इसके अंदर मिर्ची पेस्ट, 2 टेबल स्पून भर के हमें डालना है अदरक लहसुन पेस्ट, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम डाल देते हैं नमक, 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला, 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून धनिया हल्दी पाउडर, धनिया 2 टेबल स्पून, मिर्ची 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के बेसन भुना हुआ। और बेसन कैसे भूनते हैं उसका वीडियो हमने डाला हुआ है, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर 4 टेबल स्पून जितना डाल दो तेल, तेल आप कौन सा भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सरसों का तेल ही हो। सरसों का तेल हमारे यहाँ कबाब में ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन गल्फ में या यूरोप में ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है, जैतून और रिफाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है, आप चाहें तो थोड़ा फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, और नई फूड कलर डालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कलर बहुत है। थोड़ा कश्मीरी मिर्ची डाल देंगे तो भी कलर आ जाएगा। तो ये मेरा रेडी हो गया है। अब क्या करते हैं, जब तक कि हमारा मटन बॉयल हो रहा है तब तक हम सॉस भी बना लेते हैं, ताकि हमारा काम फटाफट होते जाए। तो सबसे पहले हम सॉस बना लेते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, चीज़ घिस लेते हैं। तो बाकी को तो हम बनाएंगे सॉस बाद में, एक पोर्शन जितना सॉस हम बना लेते हैं खाली, बस। तो ये चीज़ मैंने घिस दिया है, थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देते हैं क्रीम, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा धनिया, 2-3 टेबल स्पून जितना घी, 2 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन जूस, और अब कर देते हैं इसको मिक्स। तो ये हो गया मेरा मिक्स, और अब इसे हम रख देते हैं। जो मटन आपको दिखाया था वो मैंने बॉईल कर लिया है, स्टैंड हो गया है और अब ठंडा भी हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम मसाला मिला देते हैं, जो मसाला बनाया था हमने। अब इसे बढ़िया से मिला देना है, और ये कच्चा तो है नहीं कि इसको मैरिनेशन करके 1 घंटे के लिए हमें छोड़ना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट हमें इसको स्क्यूरिंग करना है और सॉस में लपेट के दे देना है।
तो ये हमने स्क्यूअर में भर दिया, अब इसे हम डाल देते हैं तंदूर में। थोड़ा हो सके मसाले मसाले भरपूर लगा दो, मसाले में कोई कंजूसी नहीं, मसाला आप डालोगे नहीं तो टेस्ट आएगा नहीं। और उसे डाल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगेगा और ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों जब तक कि हमारा तुर्की बोटी रेडी हो रहा है भट्टी के अंदर है, तब तक हम सलाद तंदूरी सलाद कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे सबसे बेस्ट अगर सलाद बोले तो सिर्फ उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑनियन होना चाहिए। ऑनियन, लेमन, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली पाउडर, बस इतना चीज़ डालो। और थोड़ा हो सके तो जीरा डाल, हरी धनिया डाल दें और मिक्स कर दें। यह तंदूरी का सबसे बेस्ट सलाद है। और अगर थोड़ा सा दिखावा करना है तो दिखावे के लिए आपको थोड़ा सा बेल पेपर ले लें, रेड, येलो, ग्रीन टमाटर ले लें, क्योंकि इन सब में टेस्ट नहीं आएगा लेकिन शो रहता है, देखने में अच्छा लगता है, मज़ा करता है खाने में ऑनियन। तो अब हम आपको कटिंग करके दिखा दें। स्लाइस होने लिया, उसके लिए हमें एक का दो कर देना है और बस हो गया। इसके अंदर अब हम लेमन निचोड़ देते हैं। रेड चिल्ली पाउडर आधा टीस्पून, टीस्पून चाट मसाला पाउडर आधा टीस्पून, टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट आधा टीस्पून, और अब इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। और ये मेरा सलाद बनके रेडी हो गया। और ये आ गया धनिया, सलाद हमारा हो गया कंप्लीट। और इसे अब हम लगा देते हैं डिश में। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको हम मार देते हैं बटर, थोड़ा शाइनिंग आ जाए और सॉफ्ट भी हो जाता है। उसके बाद में हम 1 मिनट के लिए और डाल देंगे और हमारा बनके रेडी हो गया। और ये अब हमारा तुर्की बोटी बनके रेडी हो गया। अब इसे हम सॉस अब डाल देते हैं सॉस के अंदर। थोड़ा सा और इसके अंदर हम डाल देंगे घी, उसके बाद इसको कर देंगे मिक्स। तो दोस्तों ये तुर्की बोटी मेरा रेडी हो गया है। अब हम सर्व कर देते हैं। तो दोस्तों तुर्की बोटी आज हमने बना के दिखाया आपको, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही यम्मी टेस्ट है और ये जूसी भी रहता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जब डायरेक्ट पकाते हैं पपैया से, तो अगर आपका अच्छी तरह से नहीं वो गला तो मान के चलो कि वो बाद में रबड़ हो जाएगा। लेकिन पपैया डालने के बाद में क्या होता है कि 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा पहले उसको गलौटी डाल के रखना पड़ता ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। और अगर आप बॉईल करके बनाते हो तो सबसे इजी है और टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं होता। लोग कहते हैं खाली कि हम पपैया डाल के गलाएं, डायरेक्ट पकाएं, उसमें टेस्ट कुछ और है, इसमें कुछ टेस्ट है अलग है। आप अगर इससे ज़्यादा उसके अंदर टेस्ट ला देगा कोई तो मैं जो बोलोगे मैं हार जाऊँगा। तो ये हमारी रेसिपी आज आपकी बन के कम्प्लीट हो गई है। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और सभी दोस्तों से, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ कि हमें इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया। बस और सपोर्ट की ज़रूरत है, इंशाल्लाह हम एक दिन कामयाब होंगे और आप लोग की दुआ होगी तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू।